एक चेन और पीछे से बनाएंगे। अब यहाँ पर दो चेन बना लेंगे और एक डबल क्रोशिया, एक चेन फिर से पीछे से बनेगा। दो चेन करेंगे यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज ये दो कलर का पैटर्न लेके आई हूँ। ये दोनों तरफ से एक जैसा पैटर्न है। इसे आप मफरल पे, शॉल पे, स्कार्फ पे, किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है और बनाना भी एकदम आसान है। इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें 3-3 के मल्टीपल में डबल क्रोशिया कर लेने हैं तो डिज़ाइन हमारा सेट हो जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप देखते रहें नए से नए डिज़ाइन। अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो सब भी एंजॉय कर सकें। तो यहाँ मैं आपको ये वाले दो कलर में बनाना बताऊँगी। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। थ्री के मल्टीपल में चेन बनाएंगे पहले। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस। थ्री के मल्टीपल में चेन बना ली हैं। अब दो चेन एक्स्ट्रा लेके तीसरी चेन में आके डबल क्रोशिया करके एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया, तो बेसिक रो रेडी। ये देखिए बेसिक रो मैंने बना ली है। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। दो चेन करेंगे, दो स्टिच बना लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे तीन चेन करेंगे, एक दो तीन स्टिच छोड़ेंगे, चौथे में आ जाएंगे, एक दो तीन। यहाँ तीन स्टिच बना लिए हमने, फिर से तीन चेन करेंगे, एक दो तीन स्टिच छोड़ेंगे और तीन स्टिच बना लेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। ये नेक्स्ट रो पे आ गए हैं।
दूसरा कलर लगाएंगे। एक दो तीन। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने तीन स्टिच बनाने हैं। एक, अब एक चेन करेंगे और देखिए इसको यहाँ से ऐसे एक बार बुन लेना है। फिर से एक स्टिच बनाएंगे, एक चेन करेंगे तो यहाँ पीछे से ऐसे बुनेंगे। एक चेन, अब यहाँ पर हमने तीन स्टिच बनाने हैं। सॉरी, यहाँ पर हमने कर लेनी है दो चेन और अगले में आ जाना है यहाँ। एक, अब एक चेन और एक बार ऐसे बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और वापस यहाँ आके ऐसे। दो चेन, ये देखिए ये वाली रो बन गई। अब फ्रेंड्स इसको यहाँ छोड़ देंगे, पीछे से दूसरा वाला धागा लेंगे। दो चेन, तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन। अब देखिए यहाँ आ जाएंगे तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, फिर से तीन चेन, तीन डबल क्रोशिया, अब तीन चेन करेंगे, नेक्स्ट रो पे आगे कलर चेंज करेंगे। यहाँ दो चेन, अब देखिए यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया, एक चेन और ये डबल क्रोशिया के पीछे से एक बार ऐसे बना लेंगे, एक चेन और पीछे से बनाएंगे। अब यहाँ पर दो चेन बना लेंगे और एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से पीछे से बनेगा। दो चेन करेंगे यहाँ,
ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आएगा ये डिज़ाइन, बन के बहुत ही अच्छा लगता है। अब आप बना के देखिए और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए कि आपको कैसा लगा है। ये देखिए ऐसे आएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।